यहाँ पे ये फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आने वाला है. पहला महीना, दिन, साल, मंथ, डे, ईयर. जब हम रीड और सेट वाली बटन को दबा के रखेंगे तब ये आएगा. जनवरी 2016 की डेट है मान लो. दो करना है तो हम रीड बटन से दो कर लेते हैं, लेकिन जिस वक्त ये सेटिंग कर रहे हैं उस वक्त यही डेट है, ये डेट में सेटिंग नहीं कर रहे हैं. हर पॉइंट पे हर पेज को सेव करते जाएंगे. चेंज करना है तो रीड बटन चेंज करेगा. मेमोरी को लेकर क्लियर हो? वन चला गया मेमोरी में, चला गया First digit of the time is blinking. It is 2:15 local time, so we want to change that to 40. Press read again. Scroll past your desired option. Just keep pressing. सिंपल सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है. ये डेट नहीं चेंज करना थी तो सेट दबाते चले गए. अगर चेंज करना होती तो रीड से चेंज करते. केवल टाइम चेंज करना था तो ध्यान से धीरे धीरे धीरे. इसमें वापसी का ऑप्शन नहीं है, एक बार सेट कर दिया तो फिर सेट हो जाएगा. तो हम लोग ध्यान से महीना, दिन, साल. And now we press read, we press set. Again, commit that to memory and press one more time to activate the device. Device को activate करने के लिए जब हमने finally set को दबाया और ये arrow आ गया, that means कि जो भी डाला था यहाँ पे वो सारा time set हो गया. ये हमेशा set रहेगा, इसमें हमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है. No, it's active because of the connector. नहीं लगेगा, यहाँ पे blank रहने वाला है. जब इसमें connector लगा देंगे तो ये blank screen जो है वो temperature को read करना शुरू कर देगी. उसमें थोड़ा समय लगता है, इसको read करना शुरू कर देगी. The condition for 2 hours to the fridge tank. आएगा ना तभी read करेगा, नहीं तो नहीं. हम एक बार ensure कर लेते हैं कि connector पूरा अंदर push है कि नहीं. इसमें कट से आवाज आती है, जब ये अंदर जाएगा तो कट से आवाज आएगी. अगर ये कनेक्टर नहीं लगा है तो ये ब्लैंक हो जाएगा. इसको कोई चूहा काट देता है, निकल जाता है, खराब हो जाता है, तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आएगी. जैसे हमने कनेक्टर अलग से आता है इसका, ये कनेक्टर अलग से नहीं आता है, मार्केट से लेके हम इसमें ब्रेस करके लगा सकते हैं. देखिए 1 मिनट का टाइम लगेगा इसको रीड करने में.